नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। हमारी खबरें लगातार पाने के लिए आज ही यूट्यूब से सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश चंचल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मंदसौर जिले के बोलिया से, जहां बोलिया के समीप सुराखेड़ी गांव के पास मोड़ पर ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, जिसमें 18 लोग घायल हो गए। घायलों में महिला की संख्या अधिक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से 4 महिलाओं को गंभीर हालत में मंदसौर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि शामगढ़ तहसील के मकड़ावन गांव के मेघवाल समाज के महिलाएं, पुरुष व बच्चे ट्रैक्टर में सवार होकर सिलेगढ़ के पास आमली का खेड़ा सगस महाराज के वहां मन्नत पूरी करने गए थे, जहां से दर्शन कर वापस मकड़ावन लौट रहे थे। तभी बोलिया के समीप सुराखेड़ी गांव के पास मोड़ पर ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। सर, हम यहां से मकड़ावन से सगस महाराज के जा रहे थे और वहां से वापस आ रहे थे। वापस आने में सुराखेड़ी के पास एक टर्न था, तो उस टर्न में क्या हुआ, वो ब्रेक लगाया उसने, तो ब्रेक चिपकने के कारण ट्राली पलटी खा गई। ट्राली में किस में बैठे हुए थे? मैं ट्रैक्टर में बैठा हुआ था सर। ट्रैक्टर में सभी सवारी हमारे साथ ट्रैक्टर में बैठे हुए थे। खेड़ा गांव है जहाँ पे सगस महाराज का स्थान है, और मकड़ावन गांव थाना शामगढ़ के मेघवाल समाज के परिवार लोग, रिश्तेदार लोग आज सुबह वहाँ पे मन्नत पूरी होने पर प्रसाद वितरण का उनका प्रसादी का कार्यक्रम था, तो वहाँ से अपनी मन्नत पूरी करने के बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद वापस आ रहे थे। जो सूरखेड़ी गांव जो कि बोलिया थाना गरोड़ के पास काकड़ के पास ट्राली अचानक पलट गई है, और ट्राली क्यों पलटी इसका कारण अभी हम पता लगा रहे हैं। और ड्राइवर रतनलाल पिता भक्तिराम था, जो गाड़ी ट्रैक्टर को चला रहा था। अभी सारी घायलों को हमने 108 की मदद से, पुलिस की गाड़ी की मदद से यहाँ पे CAC सामान लेके आए हैं। 2-3 लोगों की ज़्यादा स्थिति है, गंभीर स्थिति, उनको अभी मंदसौर हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं। बाकी लोगों का इलाज यहीं पे चल रहा है। सभी ग्राम कस्बा वासियों का और स्थानीय लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिला।